हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, बिकॉज अभी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आखिर फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दो तरीके हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही कॉमन बेसिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ तरीके हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स इन अ फाइल। व्हाट आर द वेज वी कैन ऑर्गेनाइज दोज रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर फाइल। तो दो चीज़ है यहाँ पे, दो वेज है यहाँ पे, दैट इज ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन या फिर अनऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों चीज़ों के, इन दोनों तरीकों के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। और फिर ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन को भी समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल शब्दों में बताऊं एकदम, ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि जो भी रिकॉर्ड्स आपके, मान लीजिए ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज ऑर्डर्ड फाइल, तो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे दे आर गोइंग टू फॉलो सम स्पेसिफिक ऑर्डर, दे आर गोइंग टू फॉलो सम स्पेसिफिक ऑर्डर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सर्च की, बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सर्च की। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक फाइल है, करेक्ट और नॉट। अभी इस फाइल के अंदर ऑब्वियसली कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सर्च की आप मान लो, या फिर एक ऐसा कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट मान लो, जैसे अगर यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के लिए अगर मैं रोल नंबर मानता हूँ, तो रोल नंबर क्या होता है, इट इज़ अ प्राइमरी टाइप ऑफ की, इट्स अ प्राइमरी की जो कि हमेशा यूनिक होती है, सो वी कैन कंसिडर इट एज अ सर्च की फॉर अस इन दिस केस, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन दिस सर्च की जितने भी आपके इस फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे दे आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, दे आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। एंड दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जितने भी रिकॉर्ड्स आपके इस फाइल में होंगे दे आर गोइंग टू फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर बेस्ड ऑन द सर्च की दैट यू हैव कंसिडर्ड। एंड इन दिस केस अगर वो प्राइमरी की होगी तो भैया बहुत ही अच्छी बात होगी, बिकॉज वो यूनिक होती है एंड यू कैन फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर बेस्ड ऑन दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसमें फिर फायदा क्या है, इसमें फायदा ये है दोस्तों कि आप इजीली किसी भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो। तो सर्च इज वेरी एफिशिएंट इन केस ऑफ ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर थर्ड रिकॉर्ड चाहिए तो आप इजीली उसको सर्च कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो इन दैट ऑर्डर एंड यू कैन जस्ट गेट योर रिकॉर्ड दैट यूर फाइंडिंग, जिसका रोल नंबर 3 है उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको इजीली मिल सकता है। तो यहां पे जो सर्चिंग है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए, इफ यू सी ऑन द अदर साइड कि इसका नुकसान क्या है, तो नुकसान ये है कि जब भी हम कोई और एक ऐसा मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं हमारे फाइल में, यानी कि इंसर्शन ऑफ अ रिकॉर्ड, अगर मैं इंसर्ट करने की कोशिश करूँ एक रिकॉर्ड की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रोल नंबर यू कैन से यहाँ पे 5 है, ओके, और यहाँ पे 6 है, मेरे भाई चल क्या होगा इसको, हाँ तो यहाँ पे 6 है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है ना। व्हाट आई वांट टू डू इज कि भाई मुझे जो फोर्थ रिकॉर्ड है उसे इंसर्ट करना है। भैया एक नया स्टूडेंट आया रोल नंबर और अभी तक 4 रोल नंबर किसी को नहीं दिया था, तो मान लीजिए फोर्थ रोल नंबर वाले की जो एंट्री है, रिकॉर्ड है, वो मुझे इंसर्ट करनी है इनटू द पर्टिकुलर फाइल। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरा जो फाइल है उसके जो रिकॉर्ड्स है उनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेडेक इन केस ऑफ ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया कि नहीं, मतलब इन रिकॉर्ड्स को मुझे नीचे खिसकाना पड़ेगा या फिर वाइस वर्सा ऊपर वाले रिकॉर्ड्स को थोड़ा रीशफलिंग करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि यहां पे, ताकि इस पॉइंट पे फोर्थ रिकॉर्ड जो है वो मेरा आ सके, जिसका, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 4 है वो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सके, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर इन केस ऑफ ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फायदा क्या है कि भाई यहाँ पे आपका जो सर्च है वो काफी एफिशिएंट है इन केस ऑफ ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसी केस में आपका जो इंसर्शन ऑफ एनी रिकॉर्ड है वो काफी हेडेक पैदा कर सकता है। आपको बहुत ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन आपके फाइल का करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट रिस्पेक्टिव ऑर्डर आफ्टर इंसर्शन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड इनटू योर फाइल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके बाद अनऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, नाउ दिस फाइल इज नॉट गोइंग टू फॉलो एनी ऑर्डर। मतलब जो दिमाग में एक हेडेक था कि हाँ आपको एक पर्टिकुलर की को पकड़ के रखना है और उस की के रिस्पेक्टिव में आपको पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो आपको पूरा फॉलो करना है और रिकॉर्ड शुड बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ देर इज नथिंग सच काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे सिंपली अभी आपको क्या करना है, जहाँ पे भी खाली जगह दिख गई वहाँ पे आपको उस रिकॉर्ड को प्लेस करना है, यानी कि नॉर्मली एट द एंड ऑफ द फाइल, यानी नॉर्मली एट द एंड ऑफ द फाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि वी वर फॉलोइंग ऑर्डर, तो हमें इसको बीच में डालना पड़ रहा था, रीशफलिंग, रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ रहा था। लेकिन अनऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अगर बाय चांस कोई नया एंट्री आता है, नया रिकॉर्ड आता है, तो यू कैन सिंपली स्टोर इट एट द एंड ऑफ द फाइल, यू कैन सिंपली स्टोर इट एट द एंड ऑफ द फाइल। और यही इसका एडवांटेज है इस स्ट्रेटेजी का, कि इंसर्शन ऑफ एनी रिकॉर्ड इज वेरी इजी बिकॉज यू हैव टू स्टोर इट
यू हैव टू इंसर्ट इट डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द फाइल. तो यहाँ पे कोई टंटा ही नहीं है कुछ ऑर्डर फॉलो करने का. जैसा रिकॉर्ड आया, जैसी अवेलेबल स्पेस देखी, वहाँ पे आप उसको सिंपली रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हो एंड नॉर्मली इट इज डन एट द एंड ऑफ द फाइल. नुकसान क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है इसका, वो ये है कि भाई यहाँ पे सर्च बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज सारी जो एंट्रीज होंगी दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी ऑर्डर, दे आर गोइंग टू बी अनऑर्डर्ड. कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी हो सकता है और अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी सर्च करने में. तो यहाँ पे सर्चिंग काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाएगी इन केस ऑफ अनऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो फायदा क्या है, इंसर्शन काफ़ी आसान है, एट द एंड ऑफ द फाइल कर सकते हो. लेकिन नुकसान ये है कि भैया जो सर्चिंग है ऑफ अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फाइल वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा कंपेयर टू द ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो आई होप दोस्तों मैंने आपको ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है. थोड़ा ये काम नहीं कर रहा इसलिए मैं, नहीं तो मैं ये भी डायग्राम बना के बता देता, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि भाई आखिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड इन अ फाइल कैसे किया जा सकता है. ये उसके दो प्रिमिटिव एग्जाम्पल्स, दो प्रिमिटिव स्ट्रैटेजीज थे जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाया. अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ. थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.